गोरखपुर में परंपरागत रूप से बुधवार को होलिका दहन की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेहाता महानगर गोरखपुर द्वारा बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट नंदू मिश्रा, महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बता दें कि होलिका दहन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष शामिल होते थे। दिल्ली में हो रही बीजेपी की आवश्यक बैठक होने की वजह से इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। यह शोभा यात्रा 125 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। इसमें गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहते थे। दिल्ली में कुछ आवश्यक बैठक की वजह से वह इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन गुरुवार को नरसिंह यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और नरसिंह यात्रा में आरती करने के बाद लोगों के साथ होली खेलेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के महानगर महामंत्री आशीष गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला ने कहा, मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच पर Oh,
आशीष गुप्ता, हिंदुवानी महानगर महामंत्री। ये भगवान भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष ये शोभा यात्रा निकाली पांडयात्रा से निकाली जाती है। यहाँ से होते हुए घंटाघर, रेत मदरसा होते हुए, लालडिगी होते हुए, बक्सीपुर होते हुए गंतव्य अपने स्थान पे पांडयात्रा आके समाप्त होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बहुत हम लोग की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हर वर्ष पूज्य महाराज जी का यहाँ हम लोग को सानिध्य मिलता है और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन इस बार से नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कल हम कार्यक्रम में रहेंगे। कितने दिनों से चलता आ रहा है ये परंपरा? विगत 125 वर्षों से। देखिए, ये होलिका दहन से पूर्व ये भगवान नरसिंह की आरती के पश्चात ये शोभा यात्रा विगत वर्षों से निकाली जा रही है। होलिका होलिकोत्सव समिति पांडे हाता के तत्वावधान में, और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री गोरखपुर साजेश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करते रहे हैं, और आज पुनः उन परंपराओं के आधार पर यह होलिकोत्सव यात्रा निकाली गई है। गोरखपुर महानगर के सभी नागरिकों को होली की शुभकामना देते हुए, सौहार्द और प्रेम का संदेश देते हुए ये होलिका यात्रा यहाँ से प्रस्थान की है।